26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर एसओजी की मदद से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अब्दुल लतीफ को दिल्ली में राजघाट के पास से पकड़ा गया, जबकि उसकी निशानदेही पर दूसरे आतंकी हिलाल अहमद को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से पकड़ने का दावा किया गया। 2 आतंकवादियों को जो जैश मोहम्मद के हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम लतीफ और दूसरे का नाम हिलाल बताया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया कि इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। इसने और इसके एक एसोसिएट ने दिल्ली में 5 जगहों की रेकी की थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पर हैवी फुटफॉल होता है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से कई हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, जिनके जरिए जैश के आतंकी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके कर दहशत फैलाने की साजिश में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया आतंकी लतीफ पिछले दिनों श्रीनगर में हुई एक ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से जैश ए मोहम्मद के जिला कमांडर के नाम पर बनी 3 मोहर मिलने का भी दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन आतंकवादियों ने दिल्ली में कुछ नेताओं के घर और दफ्तर की भी रेकी की थी, जिनकी संदिग्ध गतिविधियों का अलर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस को दिया था, जिसमें लक्ष्मीनगर इलाके में एक आदमी के घर पर कश्मीर से कुछ संदिग्ध लोगों के आने की जानकारी दी गई थी।